कैसे हैं आप लोग बच्चों, आज आपके लिए लेके आए हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बच्चों वो पढ़ने से पहले जरूरी है ये जानना कि कार्बन होता क्या है। कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं कार्बन की, आइए मेरे साथ। सैलिएंट फीचर्स ऑफ कार्बन, बच्चों फर्स्ट रहेगा कार्बन। सर कार्बन का जो सिंबल होता है वो सी होता है, आप जानते हैं। अब बात करते हैं कार्बन फॉर्म्स बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड थिंग्स वी यूज। बच्चों नेचर के अंदर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो, वो सबके सब बने हैं कार्बन से बच्चों। और वो सारी चीजें जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सब बनी है कार्बन से। सर समझ में नहीं आया सर, फूड स्टफ, वुड, पेपर, क्लोथ और सर क्या कहें, प्लास्टिक, तो ये सारे की सारी चीजों में कौन है, कार्बन है। कार्बन के बिना लाइफ को इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट, कार्बन अकर्स इन फ्री स्टेट एंड इन कंबाइंड स्टेट। बच्चों नेचर के अंदर कार्बन फ्रीली मिलता है और कंपाउंड फॉर्म में ही मिलता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कार्बन अकरेंस इन अर्थ क्रस्ट इज 0.02% एंड 0.03% इन एटमॉस्फेयर। बच्चों एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारा कार्बन रहता है वो 0.03% रहता है और अर्थ क्रस्ट में 0.02% होता है। अब बात करते हैं कार्बन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड एंड 14 ग्रुप ऑफ द टेबल। बच्चों पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पता है कि जो वर्टिकल रोज होती हैं वो कहलाती हैं ग्रुप और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं वो कहलाती हैं पीरियड्स। बिल्कुल सही बोला आपने। तो जो कार्बन होता है इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14 एंड पीरियड सेकंड, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, कार्बन इज अ नॉन मेटलिक एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कार्बन। सर आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स आर गिवन। 118 एलिमेंट्स को डिवाइड करें तो तीन क्लास आती है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। बच्चों जो हमारा कार्बन होता है वो मेटलिक इन नेचर नहीं होता है, डेट इज नॉन मेटलिक इन नेचर। तो याद रखिएगा कार्बन का जो नेचर होगा वो नॉन मेटलिक होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सर, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। सर बड़ी ही खास प्रॉपर्टी है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 का मतलब क्या है? सर वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन इज 4। समझ में नहीं आया सर, फिर समझिए, इसका मतलब है ईच एंड एवरी कार्बन विल फॉर्म 4 बॉन्ड। सर हर एक केस में कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और इसलिए बोलते हैं टेट्रावेलेंट कार्बन। आइए देखते हैं सर कैसे और क्या होता है। यहां पर तीन कंपाउंड अलग अलग दिए हैं, आप देख पा रहे हैं, इसका नाम मीथेन है, इसका नाम इथीन है, इसका नाम इथाइन है। सर डरिए मत, इनके नेमिंग भी आगे आएगी। फिलहाल आप देखिए तीन अलग कंपाउंड है कार्बन के, सेजा सोनो, ओके। अब देखते हैं क्या हर एक कंपाउंड में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, क्या हर एक केस में कार्बन टेट्रावेलेंट है, तो हमको चेक करना पड़ेगा। आइए मेरे साथ देखिए, यहां पर ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। सर कार्बन इज मेकिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना रहा है सर, इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4। सर इसमें देखिए यहां पे 2 कार्बन है तो आप कोई भी एक कार्बन को फोकस कीजिए और काउंट कीजिए हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय दैट कार्बन। सर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट, 1 2 3 4, कुल मिला के कार्बन ने बनाए 4 बॉन्ड। सर यहां देखिए यहां पे 2 कार्बन है, किसी एक को भी चेक कर सकते हैं आप। यहां पे मैंने ये लिया तो ये ट्रिपल कोवेलेंट, यानी 3 बॉन्ड यहां से हुए और सर एक बॉन्ड यहां से हुआ, तो इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बनाए हैं। इन ईच एंड एवरी केस कार्बन विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स, इसलिए कार्बन कैसा हुआ, टेट्रावेलेंट। आगे बढ़ते हैं, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिकुलर कंपाउंड। सर कार्बन जो होता है उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं और इनकी नेचर जो होती है मॉलिकुलर होती है, क्लियर हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स आर मॉलिकुलर इन नेचर। आगे बढ़ते हैं, कार्बन कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, दैट इज एलोट्रोपी। सर ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो फिनोमेना कहलाता है एलोट्रोपी। और वो जितने भी फॉर्म्स पॉसिबल होंगे, जितने भी स्ट्रक्चर्स वहां पे आपको दिखाई देंगे वो सब कहलाएंगे एलोट्रॉप्स। समझे नहीं आया सर, फिर आइए बात करते हैं, कार्बन हैज डिफरेंट एलोट्रॉप्स, आइए जानते हैं कार्बन के जो डिफरेंट एलोट्रोप होते हैं उनमें डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन मेन है, इसके अलावा चारकोल, लैम्प ब्लैक और भी कई आते हैं।
यहाँ पे मेंशन नहीं किया, सिर्फ मेन मेन की है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, चारकोल, लैम्प ब्लैक, इन सब को रिप्रेजेंट करेगा कार्बन, इन सब का सिंबल कार्बन होगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हर एक की फॉर्म अलग अलग होती है, कि आप जानते हैं डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, क्लियर, जी हाँ बिल्कुल सही। लेकिन ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ये आपने देखी है दोनों चीजें। तो ग्रेफाइट पेंसिल में यूज करते हैं, जैसे दबाते हैं कट से टूट जाता है, तो एक बहुत हार्डेस्ट है सर और एक बहुत सॉफ्ट है। तो ये देखिए हर एक यहाँ पर एलोट्रोप की नेचर भी अलग अलग है, इनकी फिजिकल और केमिकल नेचर अलग होती है, ध्यान रखिएगा। एलोट्रोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, आगे बात करेंगे। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन कंबाइंस विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स, दैट इज कैटेनेशन। सर ये दो प्रॉपर्टी जो है बड़े कमाल की है, 6th पॉइंट और 9th पॉइंट, बातें बताऊंगा, पहले जानते हैं कैटेनेशन। सर कार्बन की सेल्फ लिंकिंग नेचर, कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, समझ में नहीं आया। सर कार्बन जो होता है वो अदर कार्बन एटम के साथ कंबाइन होकर लंबी चेन बनाता है, लंबी भी बनाता है और क्लोज चेन भी बनाता है, ओपन चेन एज वेल एज क्लोज चेन। तो कार्बन की जो आपस में जुड़ने की कैपेसिटी है, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। और सर आपको बता दें कार्बन की टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सर ये दो प्रॉपर्टी जो है यूनिक प्रॉपर्टी होती है, और इसी की वजह से जो है पूरी एक अलग से केमिस्ट्री की ब्रांच बन गई है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आप लोग आगे जानेंगे, क्लियर हुआ। चलिए कुछ प्रॉपर्टी और लेते हैं बच्चों। 10th पॉइंट है, कार्बन कंबाइंस विद अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा टू गिव कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स, दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। और बच्चों इनका दूसरा नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है, जैसे अगर मैं बात करूं CH4, तो बच्चों CH4 के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो ये कंपाउंड कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड है C6H6, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कार्बन के साथ केवल H ही कंबाइंड हुआ है, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड विल बी हाइड्रोकार्बन। लेकिन बच्चों अगर मैं अगला कंपाउंड दिखाता हूं आपको ड्रॉ करके, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH, तो देखिए यहाँ पे C2H5OH में C है, H है और O भी आ गया है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ये हम सब आगे पढ़ेंगे। अब कार्बन कंपाउंड शो फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म, बच्चों हम लोग अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स गिव आइसोमेरिज्म, बच्चों प्रॉपर्टी होती है, ये हम लोग आगे अलग से पढ़ेंगे। तो क्या ये फीचर्स, 11 फीचर हमने डिस्कस किए हैं, क्या आपको क्लियर है? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों आपके लिए। आइए बच्चों आप कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। फर्स्ट रहेगा फाइंड वैलेंसीज ऑफ कार्बन इन CH4CO3-2H2CO3, इन तीनों कंपाउंड में आपको कार्बन का वैलेंसी बताना है कितना होगा। अब लेते हैं गिव नेम ऑफ टू अदर एलिमेंट्स विच ऑल्सो शो टेट्रावेलेंसी, आपको दो ऐसे और एलिमेंट के नाम देने हैं जो टेट्रावेलेंसी दिखाते हैं। एसिटिक एसिड इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट है बच्चों फाइंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट अमंग निकिल, FeNiFeNCNaCl, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो नॉन मेटेलिक इन नेचर होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट, डिस्क्राइब कैटिनेशन ओनली इन 3 वर्ड्स, आपको कैटिनेशन जो ये हमारा प्रॉपर्टी है इसको केवल 3 वर्ड में एक्सप्लेन करना है, क्लियर है बच्चों? ये आंसर आपको आज शाम तक सबमिट करने हैं, क्लियर बच्चों? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो इस असाइनमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें।